What's up guys, this is Tarun. आप देख रहे हैं तरुण फिटनेस मंत्रा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो आपको बता दूं, पहले मैं हमारे चैनल पे फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चल रही है, उसके 4 डेज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चारों के लिंक्स अपलोड कर दूंगा। उसके बाद ये 5वीं वीडियो आप देखें, आज है हमारा डे 5 जिसमें हम करेंगे ट्राइसेप्स का वर्कआउट। आज मैं सारे वर्कआउट आपके साथ शेयर करूंगा, क्या मैं वर्कआउट कर रहा हूँ फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में और कैसे मूवमेंट है। तो देखिए, अब चलते हैं फर्स्ट वर्कआउट की तरफ। गाइस, आज का हमारा फर्स्ट वर्कआउट है ट्राइसेप्स का, जो है रोप पुश डाउन। हम रोप से करेंगे क्योंकि रोप से करने का हमारा मेन कारण क्या है, इससे हमारी जो ट्राइसेप्स की डेफिनेशन है वो और अच्छे से क्लियर होगी। क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं, हम फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहे हैं, जितनी हम कैलोरी बर्न करेंगे उतनी डेफिनेशन आपकी मसल में ज्यादा आएगी। इसके करने हैं आपको 7 सेट 12 से 15 रेपिटेशन। तो गाइस, आज की हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स के लिए, वो है स्कल क्रशेस, जो हम डिक्लाइन बेंच प्रेस पे करेंगे, जिससे कि 70-80% जो टेंशन है वो हमारे इनर साइड पे आएगा ट्राइसेप्स के। उससे पहले गाइस, मैं हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस में कोई भी कमी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, जिससे मैं अपने वीडियो में सुधार कर सकूँ, वर्क कर सकूँ जैसा आप चाहते हैं। क्योंकि अगर आप बताओगे नहीं तो मेरे को पता कैसे लग पाया कि मैं क्या कमी कर रहा हूँ अपनी वीडियोस में। तो बिना आपका टाइम खराब किए भी बताता हूँ आपको सेकंड वर्कआउट कैसे करना है आपने स्कल क्रशेस डिक्लाइन बेंच पे। आज की हमारी तीसरी एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स के लिए, वो है ओवरहेड डंबल। इसके भी करने हैं आपने 4 सेट। जो स्कल क्रशेस हमने इससे पहले एक्सरसाइज की थी डिक्लाइन बेंच पे, उसके भी आपने करने हैं 4 सेट 12 से 15 रेपिटेशन। मूवमेंट आपने चेक कर ली होगी, इसकी भी आप मूवमेंट देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो गलती करते हैं इसमें, तो एक्यूरेट मूवमेंट आप चेक कीजिए। हमारी फोर्थ और लास्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स की, वो है किकबैक, जिसमें 90% लोग गलती करते हैं, उन्हें एक्यूरेट पता ही नहीं होता कैसे करनी है। तो आज आपका भाई करके दिखाएगा कैसे किकबैक परफॉर्म करनी है। इसके भी आपने करने हैं 5 सेट टिल फेलियर। इसमें आपने रैप काउंट नहीं करने हैं और डंबल हल्के से हल्का रखिए, जिससे आपकी मूवमेंट एक्यूरेट रहे। और एक बात और बोलना चाहूंगा गाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ के, जो आप इतना प्यार दिखा रहे हैं अपने भाई को, इतना लाइक कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाई ऐसे ही वीडियोस बनाता रहे तो ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि मेरे को भी ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे जैसे आप लाइक कर रहे हैं अपने भाई को। तो अभी चलते हैं अपने वर्कआउट की तरफ, एक्सरसाइज करके दिखाता हूं मैं किकबैक।
गाइस ये थी हमारी आज की चार एक्सरसाइज ट्राइसेप्स के लिए फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन की। उम्मीद करता हूँ आपने सबने अच्छे से देख ली होगी, अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। प्लस मैं हमेशा की तरह एक ही बात बोलूंगा गाइस, कुछ भी कमी अगर आपको लग रही है वीडियोस में तो कमेंट जरूर करना, तभी मेरे को पता लगेगा क्या कमी हो रही है और क्या सुधार करना आपके लिए। प्लस में एक बात और, सजेशन जरूर देना। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है, कोई और ट्रेंडिंग वीडियोस आपके दिमाग में चल रही है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो वो भी आप मेरे को कमेंट करना जिस पे मैं वीडियो बना सकूं आपके लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राम राम, नमस्ते सभी को।